हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो रिफ्लेक्सेस के बारे में अपन देख रहे हैं, रिफ्लेक्सेस के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि रिफ्लेक्सेस क्या क्या उनसे कौन कौन से होते हैं। तो अपन इसके अंदर अपन जो पढ़ रहे थे रिफ्लेक्सेस, ठीक है, तो इसमें अपने रिफ्लेक्सेस जो देखे हैं अभी तक, रिफ्लेक्सेस जो आई एंड रिफ्लेक्सेस ऑफ दी माउथ के बारे में अपना मतलब नोज़ के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन नेक्स्ट जो रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे माउथ के बारे में रिफ्लेक्सेस पढ़ेंगे। तो माउथ के रिफ्लेक्सेस से पहले मैं आपको एक बार वापस डोल्स आइज रिफ्लेक्सेस के बारे में बताना पड़ता हूँ, क्योंकि उसमें कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न था कि डोल्स आइज क्या होती है, उसका मतलब डोल्स आइज के मतलब मीन क्या होता है, उसको रिफ्लेक्सेस है उसके अंदर कई स्टूडेंट्स को थोड़ा इश्यूज़ है। तो थोड़ा उसके अंदर उसमें दोबारा मैं आपको डिस्कस करके मैं बताता हूँ उसके अंदर। तो आप देखिए वापस डोल्स आइज के बारे में अपन देखते हैं। ये डोल्स आईज जो रिफ्लेक्शन है, जो डोल्स आईज रिफ्लेक्शन वो होता है आई, जो आई का रिफ्लेक्शन होता है उसके अंदर होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो क्या होता है कि जैसे इसमें छोटे बच्चे क्या होते हैं कि जैसे जैसे गुड़िया आपने देखी होगी, ठीक है, गुड़िया होती है, गुड़िया को अपन जैसे अपन लेटाते हैं, है ना, गुड़िया को जैसे अपन लेटाते हैं, आजकल मिलती है मार्केट में देखोगे आपने गुड़िया मिलती है, गुड़िया छोटी गुड़िया जो होते हैं खिलौने होते हैं बच्चों के, वो उस तरीके से मिलती है। उसके जैसे अपन उसको जैसे लेटाओगे आप तो उसकी ऑटोमेटिक आँख क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे आप उसको जैसे उठाओगे गुड़िया को, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, उसकी आइज क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो सेम कंडीशन लाइक एज ए सेम कंडीशन जो डॉल होती है, जो खिलौने होते हैं बच्चों के, उस तरीके से ही कंडीशन किस में होती है, बच्चों के अंदर होती है, जो वो 3 से 4 मंथ तक क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, और बर्थ के अंदर क्या होती है, अपियर होती है। तो वो कंडीशन डॉल साइज की तरह, मतलब जब बेबी को अगर 3 से 4 महीने जो बच्चा होता है, 2-3 महीने का जो बच्चा होता है, उसको क्या अगर आप जैसे लेटाओगे तो उसकी आँखें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। जैसे आप उसको उठाओगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। अब जैसे बच्चे को आपने जैसे मान लो सपोज किया, बच्चों को ये इस बच्चे को अपन ने क्या इसको क्या किया, टर्न किया, राइट साइड में टर्न किया और लेफ्ट साइड में टर्न किया। आपने सपोज किया कि बच्चा लेफ्ट साइड देख रहा है, ठीक है, सपोज करो बच्चा अगर लेफ्ट साइड देख रहा है, अगर उसने क्या किया, उसने आप उसने उसको क्या किया, उसके जो माउथ के उसको किस साइड में टर्न किया, राइट साइड में टर्न कर दिया। तो राइट साइड में टर्न करेगा तो उसका वो जो देख रहा है, जो लेफ्ट साइड में देख रहा था, वो तो लेफ्ट साइड में ही देखेगा, वो लेफ्ट राइट साइड में अचानक से सडनली वो टर्न नहीं करेगा। वो जिस साइड उसका जो हेड का जो टर्न हुआ था, वह धीरे 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 उस पोजीशन में आने के लिए उसको क्या करेगा, टाइम लगेगा। पर जैसे आप सडनली क्या करोगे, राइट साइड में जैसे टर्न करोगे, तो उसकी जो आईज है वो सडनली राइट साइड में नहीं आएगी, वो धीरे धीरे क्या करेगा, वो धीरे धीरे आईज को राइट साइड में लेकर आएगा, मतलब एक सडनली वो नहीं ला सकता। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डोल्स आइज बोलते हैं। मतलब जब गुड़िया होती है, देखा होगा आपने उसको, अगर आप टर्न करोगे जिस साइड, तो वो हेड किस टर्न करोगे तो उस साइड वो टर्न, जो मतलब हेड को जिस साइड टर्न करोगे उस साइड में आइज टर्न नहीं होती है अचानक से, इमीडिएटली वो टाइम लगता है उस साइड में, उस साइड के धीरे धीरे वो जो आइरिस होता है, जो उसके जो आइज वाला वाट होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे टर्न होके जिस साइड में हेड होगा उस साइड में धीरे धीरे वो क्या होता है, टर्न होता है, पर इमीडिएटली उस टाइम पे नहीं होता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डॉल्स आइज बोलते हैं। तो देखो पेसिव टर्निंग ऑफ द हेड न्यू बॉर्न द लीव्स इन द आई बिहाइंड, कि अपने बोल सकते हैं पेसिव टर्निंग, एक मतलब बोल सकते हैं पेसिव टर्निंग होगा, जब पेशेंट का जो हेड जो टर्न होगा तो न्यूबॉर्न का लीव्स द आई बिहाइंड, जो पीछे की ओर क्या होते हैं, वो पीछे की ओर छोड़ते हुए चल जाती है, मतलब बोलते हैं जो लास्ट में थी उसको पीछे की ओर छोड़, जो लास्ट में जहाँ देख रही थी उसको वहाँ से क्या करते हैं, जगह छोड़ती, पर वो इमीडिएटली नहीं होता है। ए डिस्टिंक्ट टाइम लैग्स अकर बिफोर द आई मूव ए न्यू पोजिशन कीपिंग अप विद द हेड पोजिशन, कि जैसे जैसे हेड पोजीशन होती है, जैसे जैसे हेड पोजीशन, जैसे हेड का पोजीशन लिया, वैसे न्यू पोजीशन लेने के लिए क्या धीरे धीरे क्या करती है, वो टर्न करती है, अचानक सडनली मूव नहीं करती है। आई भी क्या करते हैं, न्यू पोजीशन लेने के लिए क्या करती है, धीरे धीरे उसके आगे टर्न करती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डॉल्स आईज बोलते हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा डॉल्स आईज क्या होता है। और ये जब अपियर होता है, ये जो होता है बर्थ के अंदर होता है, और डिसअपियर जो होता है वो 3 से 4 मंथ के अंदर डिसअपियर होता है। अगर ये इंडिकेशन अगर प्रॉपरली नहीं हो पाता इस कंडीशन के, मान लो फेल हो जाता है, अपियर की बात करें, डिसअपियर नहीं होता उस कंडीशन में क्या हो जाता है, सेरिब्रल लीजन होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर ये एबनॉर्मल कंडीशन हो जाए तो क्या होने के चांसेस हैं, सेरिब्रल लीजन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब अपन देखेंगे जो रिफ्लेक्सेस है, माउथ के रिफ्लेक्सेस है, वो कौन कौन से रिफ्लेक्सेस है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखिए अब माउथ के बारे में रिफ्लेक्सेस की बात करें, माउथ के बारे में रिफ्लेक्सेस की, जो फर्स्ट रिफ्लेक्स की बात करेंगे अपन, बात करेंगे रूटिंग रिफ्लेक्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अपन, रूटिंग रिफ्लेक्स की बात करेंगे। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब बच्चे का जो कॉर्नर होता है, जो लिप वाला जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है, जैसे अपन इसके अंदर मैं दिखा रहा हूँ, जैसे लिप वाला जो कॉर्नर वाला पार्ट है,
यहाँ पर ये बच्चे के देखो यहाँ पर टर्न किया, टच किया इसने, जैसे टच किया तो आप देखो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिक बच्चे का माउथ के अंदर टर्न हो रहा है, अपने आप को टर्न हो रहा है, क्योंकि इसके जब लिप्स पे आप कॉर्नर पे इसके टच करोगे, फिंगर टच करोगे, कोई भी ऑब्जेक्टिव टच करोगे, तो बच्चे को क्या लगेगा कि बच्चे को ऐसा लगेगा कि जो मुझे कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा है या मुझे ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया वो टर्न करना स्टार्ट करेगा, टच करते लोअर पार्ट के लिप्स के टर्न किया होगा, मुंह करेगा और क्या करते पॉइंट स्टिमुलेट करेगा उस कंडीशन को, और कोई भी फिंगर हो या कुछ ऑब्जेक्टिव हो वहाँ पर टच करने पर उसका माउथ ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। जैसे ऐसे टच किया, टच करने पर इसका माउथ क्या हो गया, ऑटोमेटिक क्या हो गया, इस साइड में टर्न होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए इसके अंदर मैं आपको, द इन्फेंट टर्न हिज हेड टुवर्ड एनी ऑब्जेक्ट विद टच द चिक एंड द एक्टिविटी सिक्स इन निप्पल एंड बिगिन टू शक। बच्चे को इन्फेंट का टर्न करता है, हेड टर्न करता है, जहाँ भी उसका ऑब्जेक्टिव टच करता है, ऑब्जेक्टिव टच करता है, टच टुवर्ड ऑब्जेक्ट दैट टच हिज चिक, कोई भी चिक पे टच करता है, एंड एक्टिविटी सिक्स द निप्पल एंड बिगिन टू शक। और बच्चा क्या करता है, ऐसा बोलता है कि निप्पल मुझे टच कर टच हो गई है, और वो क्या करने लग जाता है, शक करने लग जाता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। व्हेन कॉर्नर ऑफ द माउथ टच, जब कॉर्नर पे टच करते हैं माउथ के, लोअर लिप इज लोअर, लोअर लिप नीचे हो जाता है, और टंग मूव द टुवर्ड द पॉइंट स्टिमुलेटेड, और टंग क्या करता है वो बाहर की ओर निकालता है, स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट करने के लिए एक तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देता है। व्हेन फिंगर स्लाइड अवे हेड टर्न टू फॉलो इट, जैसे फिंगर को स्लाइड में टच करोगे तो वो हेड क्या हो जाएगा, वहाँ से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ से अवे हेड टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन सेंटर ऑफ द लिप स्टिमुलेटेड लिप एलिवेटेड, अगर आप लिप पे सेंटर पे टच करोगे तो क्या हो जाएगा, लिप क्या हो जाएगी, एलिवेट हो जाएगी, वो क्या करेगा ऊपर की ओर करना स्टार्ट कर देगा, सेंटर पे स्टिमुलेट, सेंटर ऑफ द लिप स्टिमुलेट हो जाती है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। जैसे आपने यहाँ पर टच किया, टच करते यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो गया, गेट देखो अपने ऑटोमेटिक क्या हो गया, टर्न होना स्टार्ट हो गया, इसे क्या बोलते हैं, रूटिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्स इसमें बात करते हैं, ये जो अपियर होता है वो अपियर होता है, ये बर्थ के अंदर अपियर होता है, ये डिसअपियर जो होता है, रूटिंग रिफ्लेक्स 3 to 4 months के अंदर क्या हो जाता है, ये डिसअपियर हो जाता है। अगर ये कंडीशन एब्सेंस हो जाए, मान लो रूटिंग रिफ्लेक्स काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल इंपेयरमेंट हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। कौन सी कंडीशन में, अगर रूटिंग रिफ्लेक्स प्रॉपरली नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में न्यूरोलॉजिकल इंपेयर्ड इंपेयर हो जाएगा। तो एब्सेंस ऑफ दिस इज सीन इन न्यूरोलॉजिकल इंपेयर्ड इंफेंट, मतलब न्यूरोलॉजिकल इंपेयर हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है उस कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन, इसके अंदर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे कि शकिंग रिफ्लेक्स की बात करेंगे, अपन किसकी बात करेंगे, शकिंग रिफ्लेक्स की बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं शकिंग रिफ्लेक्स, कि शकिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, कि अगर बच्चे के माउथ के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट भी आप माउथ के अंदर इंसर्ट करते हो, तो वो क्या करने लग जाता है, शक करने लग जाता है। जैसे उसको कोई भी ब्रेस्ट फीडिंग करा है, तो वो क्या करता है, शक करता है उस चीज़ को, चिक को क्या करता है, वैक्यूम करने की कोशिश करता है, लिप के साथ, चिक के साथ, टंग के साथ। तो टचिंग लिप प्लेस समथिंग बेबी माउथ कॉजेज बेबी ड्रॉ लिक्विड इन टू द माउथ बाई क्रिएटिंग वैक्यूम विथ लिप्स चिक्स एंड टंग। ऐसा लगता है बच्चे के जैसे लिप पे टच करते हो, प्लेसिंग समथिंग द बेबी माउथ, कोई भी कुछ भी टच करते हो बेबी के माउथ के अंदर, तो बेबी को ऐसा लगता है, कोच क्या करता है, ड्रॉ लिक्विड इन टू माउथ, उसको लगता है कि कोई भी लिक्विड आ गया है, उसको क्या करता है माउथ के अंदर बाई क्रिएटिंग वैक्यूम, वो क्या करता है वैक्यूम करने जाता है चिक्स एंड टंग के साथ साथ, क्या करता है वो वैक्यूम करने की कोशिश करता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, शकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, शकिंग रिफ्लेक्स। जैसे इसमें क्या क्या, जैसे लेडीज है, इसने फिंगर जैसे अंदर माउथ के अंदर डाला, तो ये बच्चा क्या करने लग गया, शक करने लग गया, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, शकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शकिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये जो अपियर होता है, ये होता है बर्थ के अंदर अपियर होता है, और ये परसिस्टेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, और ये कब तक रहता है, इन्फेंसी तक क्या होता है, यहाँ पे कंटिन्यूअस रहता है शकिंग रिफ्लेक्स। वैसे तो देखा जाए तो शकिंग रिफ्लेक्स अपन देखते हैं कि शकिंग रिफ्लेक्स वैसे कंटिन्यूअस रहता है मोस्टली, बट ये वाली जो शकिंग रिफ्लेक्स है, कोई भी टच करते हैं, कि अपन जब बोलते हैं अडल्ट के अंदर, तो एक तरह बात कर सकते हैं कि अडल्ट के अंदर कोई एक पता रहता है कि कौन सी चीज़ शक की जा सकती है, कौन सी नहीं की जा सकती, उसके बाद इसमें क्या होता है, डिसअपियर का होता है परसिस्टेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी तक, क्या होता है डिसअपियर हो जाता है, बच्चों को ऐसा फील नहीं होता, तो कोई उसको ऐसा फील होता है, जैसे तो यहाँ पर इन्फेंसी तक, तो बच्चों को क्या फील होता है, कि जैसे कोई भी निप्पल इंसर्ट कर रहा है, या कोई बोलता है ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहा है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करता है, शक करना स्टार्ट कर देता है बच्चा। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, सिगमेंट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डेप्रिवेशन ऑफ द एक्टिविटी विल लीड टू फिक्सेशन रिजल्टिंग ऑफ ओरल हैबिट। कि सिगमेंट फ्रॉइड की तरफ से अपने बात करते हैं, किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटीज हो, एक्टिविटीज से मतलब कोई भी एक्टिविटीज हो या डेप्रिवेशन कंडीशन हो, तो उसके एक
मतलब फिक्सेशन रिजल्टिंग ओवरऑल हैबिट, उस फिक्सेशन बन जाता है, वो ओवरऑल हैबिट बन जाती है, फिक्सेशन लीड होता है अगर उस चीज़ को, एनी काइंड ऑफ डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन होता है एक तरह से दूर रखना ऑफ द एक्टिविटीज, कोई भी एक्टिविटी तो उसके कहते हैं एक फिक्सेशन बन जाता है, उस रिजल्ट ओरल हैबिट्स बन जाती है अगर उस चीज़ को उसके कहते हैं दूर रखा जाए तो उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता, तो क्या होता है एक तरीके से फिक्सेशन हो जाता है, ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होने के चांसेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अपन बात करेंगे गैग रिफ्लेक्स की। गैग रिफ्लेक्स की बात करेंगे तो गैग रिफ्लेक्स में क्या होता है, बच्चा क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन करता है बैक, मतलब रिफ्लेक्स कॉन्ट्रैक्शन करता है, जैसे आप कोई खाना अगर आप खिलाओगे तो क्या करेगा वो ऊपर वाले जो रूफ वाला पार्ट होता है उसमें क्या करेगा वो टच करेगा बैक में जो टंग की क्या होगी एरिया को अराउंड करके टॉन्सिल के थ्रू बैक थ्रोट को बाहर की ओर निकाल देता है, मतलब खाया पिया सब बाहर की ओर निकाल देता है बच्चा, कोई भी टच कर जैसे वोमिट की तरह कर रहा है, इसको जैसे खाना किया इसने ऊपर रूफ में टच किया और डायरेक्ट वो थ्रोट को करके और बाहर की ओर निकाल दिया इसने, उसे क्या बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं। गैग रिफ्लेक्स यानी बोलते हैं अंदर वाला पार्ट जिसे गैग जो जिसे अपन बोल सकते हैं जो आपने पढ़ा होगा जो जो ग्लोसोफेरिंजल नर्व की और वेगस नर्व जो होती है वो वर्क करती है इसके अंदर, अगर वो डैमेज भी हो जाए तो इस कारण क्या होता है गैग रिफ्लेक्स आना क्या होता है स्टार्ट एब्नॉर्मल तो गैग रिफ्लेक्स होना हो जाता है, डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में गैग एक तरीके से वो हो जाती है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द बैक ऑफ द थॉट, रिफ्लेक्स करती है कॉन्ट्रेक्शन करती है जो थॉट के जो पीछे वाला पार्ट था वो क्या करता है इसमें कॉन्ट्रैक्ट करता है, इवोक बाय द टचिंग ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ, बच्चों के ऊपर वाला जो पार्ट होता है माउथ के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट होता है ठीक है, यहाँ टंग यहाँ से इंसर्ट करते हैं यहाँ से इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है रूफ वाला पार्ट होता है माउथ का एंड बैक ऑफ द टंग एरिया अराउंड द टॉन्सिल, सो क्या करता है जो बैक वाला जो टंग का एरिया होता है वो टॉन्सिल अराउंड करके बैक ऑफ द थॉट और क्या करता है बैक ऑफ द थॉट के बाहर की ओर निकाल देता है उस कंडीशन से, वो जो खाया पी जो करती है उस एक्टिविटीज करती है उसे क्या बोलते हैं गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये एज ऑफ अपीयरेंस होता है ये बर्थ के अंदर होता है, ये परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ और लाइफ के साथ साथ क्या होता है ये बाहर की ओर निकल जाता है, जैसे बात कर सकते हैं कि ये लाइफ के साथ साथ मतलब लंबे टाइम तक क्या करता है ये चलता रहता है लाइफ के साथ, जब तक जीवन रहेगा जिस कंडीशन तक ये चलता रहेगा, जैसे डिसअपियर नहीं होता जैसे बोल सकते हैं अपन कंडीशन के अंदर, अगर ये नहीं है तो डैमेज टू द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व एंड वेगस नर्व और ग्लोसोफेरिंजियल नर्व क्या होती है डैमेज होने के कारण ये क्या एबनॉर्मल कंडीशन हो सकती है, या ब्रेन डेथ हो गया तब भी क्या होता है एबनॉर्मल होने की कंडीशन हो सकती है, मतलब एक तरीके से गैग रिफ्लेक्स होने के चांसेस नहीं होते हैं, रिफ्लेक्स नॉर्मल नहीं होते तो ये क्या होता है डैमेज ऑफ द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व एंड ब्रेन डेथ दोनों कंडीशन हो सकती है, अपीयर कब होता है बर्थ के अंदर परसिस्टेंट और थोड़ा और देखिए लाइफ नहीं होता है एक तरीके से डिसअपीयर होता है जब कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन रिफ्लेक्सेस की बात करें, एक्सट्रूजन रिफ्लेक्सेस की बात करेंगे, एक्सट्रूजन रिफ्लेक्सेस में क्या होता है बच्चे का क्या होता है अपन जैसे कोई खाना खिलाते हैं बच्चे को अगर इसके टंग को क्या अगर डिप्रेस करेंगे इसके टंग को यहाँ से डिप्रेस करेंगे कोई भी स्पून के थ्रू या कोई फिंगर के थ्रू यहाँ पर क्या करें इस बच्चे को मतलब एक तरह से फिंगर को क्या होता है इसके फिंगर के थ्रू इस लिप्स को क्या करें जैसे डिप्रेस करेंगे तो बच्चा क्या फोर्सफुली फिंगर को क्या करेगा बाहर की ओर निकालेगा, क्या निकालेगा बाहर की ओर निकालेगा फोर्सफुली आउटसाइड द माउथ की ओर निकालेगा, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स बोलते हैं। व्हेन टंग इज टच द डिप्रेस टंग को टच करते हैं या डिप्रेस करते हैं तो इन्फेंट रेस्पॉन्ड टू फोर्सिंग ऑफ इट आउटवर्ड, बच्चा जो टंग को होता है वो रेस्पॉन्ड करता है बाहर की ओर तेजी से बाहर निकालता है फोर्सफुली बाहर निकालता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं एक्सट्रूजन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये अपीयर होता है बर्थ के अंदर डिसअपीयर होता है ये 4 मंथ के अंदर क्या होता है ये डिसअपीयर होता है 4 मंथ के अंदर क्या होता है ये डिसअपीयर होता है और अपीयर होता है ये कौन सी एज के अंदर बर्थ के अंदर, इसमें क्या होता है बच्चे के टंग को अगर डिप्रेस करोगे या टच करोगे तो ये क्या करेगा फोर्सफुली क्या करेगा बाहर की ओर निकालेगा उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं उस कंडीशन को ये एक्सट्रूजन रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कफ रिफ्लेक्स की बात करेंगे कि कफ रिफ्लेक्स बात करेंगे कफ रिफ्लेक्स कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन तो उसके कारण क्या होता है खांसी आना स्टार्ट हो जाती है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं कफ रिफ्लेक्स बोलते हैं। खांसी करते हैं तो खांसी कब तक रहती है लाइफ टाइम तक रहती है बर्थ के अंदर आता है और लाइफ लॉन्ग तक रहती है कोई इसके अंदर कोई डिसअपियर नहीं होगी, अगर म्यूकस इरिटेशन होगा या कोई भी डिजीज हो जाएगी कोई बीमारी हो जाएगी उस कंडीशन क्या होगा कफ रिफ्लेक्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इरिटेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंक्स कॉज कफ, बच्चे के कोई भी म्यूकस मेम्ब्रेन इरिटेशन होता है उस कंडीशन से क्या हो जाता है कफ होने के चांसेस हो जाते हैं। ये जो अपीयर होता है बर्थ के अंदर अपीयर होता है डिसअपीयर होता है परसिस्टेंट लाइफ लॉन्ग कभी भी डिसअपीयर नहीं होता है। तो ये अपन जो रिफ्लेक्सेस पढ़े थे अपन ने ये रिफ्लेक्सेस हुए हैं आपके माउथ के रिफ्लेक्सेस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट अभी तो रिफ्लेक्सेस चलेगा आपकी 2 क्लास और चलेगी रिफ्लेक्सेस की कल और परसों, फिर उसके बाद रिफ्लेक्सेस आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अपन माइलस्टोन स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्सेस के बाद। तो रिफ्लेक्सेस में वो पहले कराना जरूरी था इसलिए मैं करा रहा हूँ, 2 क्लास हो रहेगी रिफ्लेक्सेस की उसके बाद अपन माइलस्टोन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।